ग्रंथ साहेब जीओ महाराज
जो हमरी विद होती मेरे सतगुरा साबित तुम हर जान हो आपे हम रुलते फिरते कोई बात न पूछता गुर सतगुर संग कीरे हम थपे प्रभु की जय कृपा निधान हम हर गुण गावेंगे हाँ तुमरी करो नित्यास प्रभ मोह कब गल लावेंगे हम ऐसे तू ऐसा माधो हम ऐसे तू ऐसा माधो हम ऐसे तू माधो हम ऐसे हम ऐसे तू माधो हम ऐसे तुम ऐसा हम ऐसे तुम पूजल का
करते हम निर्गुण को गाता। हम मूर्ख तुम सतर से आने तू सर्व कला का ज्ञाता। आदो हम ऐसे तुम ऐसा। हम पापी तुम पाप खंडन। ठाकुर सब सज साज ने बजे जियो पिंड दे प्राणा। निर्गुणया गुण नहीं कोई। तुम दानंद हो मेहमाना। हो पला हम पलो न जाने। तू सदा सदा दयाला। सुखदाई पुरख विदाते। राखो अपने पाला। तुम निधान अटल सुल्तान। तुम निधान अटल सुल्तान। जी जंत सब जाते। कहो नानक हम एह भवन। आप संतन के पाछे। कहो नानक हम एह भवन। आप संतन के पाछे। मैले हम मैले उजल कर देवो। हम 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 मैले साईया हम मैले हम मैले। हम मैले उजल कर देवो। हम मैले 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 सारे अखा बंद करके चौंकड़े मार के बैठो। सारे बोलो वाहगुरु 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 वाहगुरु
वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु
फुलाम ना तू फुल्ली ना फुलाम ना विसरी ना विसारी ना विसरी ना विसारी जी ना तू फुल्ली ना फुलाम ना विसरी ना विसारी जी ना तू फुल्ली ना फुलामे ना विसरी ना विसारी छड़िया मर जाइए तेरे बिछड़िया मर जाव ना बिछोड़ मार कर तेरे बिछड़िया मर जाव ना बिछोड़ मार कर जी तेरे मर करो अर्ज मंजूर एक करो अर्ज मंजूर एक करो अर्ज मंजूर अरे बोलो अर्ज मंजूर करो अर्ज मंजूर एक करो अर्ज मंजूर एक करो अर्ज मंजूर निब जा तोड़ दाता तेरे बिछड़िया मर जावा हम छोड़ दाते जी तेरे बिछड़िया मर जावा हम छोड़ दाते तेरे बिछड़िया मर जावा हम छोड़ दाते जी पई है तानी तेरी कुर्सी पई है तानी तेरी कुर्सी पई है तानी तेरी कुर्सी पई है तानी तेरी ता उलझी पई है तानी तेरी लोड़ ता तेरे बिछड़े मर जावा नाम छोड़ का तेरा जी तेरे हम छोड़ जाते तेरे बिछड़िया मर जावा हम छोड़ जाते तेरे बिछड़िया मर जावा हम छोड़ जाते तेरे बिछड़िया मर जावा हम
धर्म सत्कार जो सतगुरां दी साजी नवाजी गुरु प्यारी गुरु सवारी गुरु का खास रूप गुरु खालसा सात संग जी रसना पवित्र करो गुरु साहब जी की बख्शिश दोहराओ प्यार नाल फतेह बुलाओ सारे बुलंद आवाज विच आखो जी वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। जिन्हां ने रसना सफली नहीं कीती फिर बुलंद आवाज विच आखो वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। सतगुरु साहब ने महान कृपा कीती है अपनी रहमत दे खजाने विचों किनका साड़ी झोली विच पाया है। दूरों नेड़ों पहुंच के सतगुरु जी दे पावन चरणा विच बैठन दा सुभाग मिलिया है। काफी समय तो आप जी ढाडी सिंघां तों कविश्री जथियां तों वखरे वखरे तरीकियां नाल सतगुरु जी दे चरणा विच जुड़न दा यतन कर रहे हो। किसे तरीके नाल जुड़िया जाए किसे भी तरीके नाल मालक दी सिफत सलाह होवे सारे ही तरीके सार्थक हन। नचना भी इबादत बन जाता है नचने का जे चज हो। प्यार वाले भगत नचते भी रहे उन्हों का नचना भी प्रवान। कई हसते भी रहे उन्हों का हसना भी प्रवान। कई अंदरों रोए उन्हों का रोना भी प्रवान। बस गल ते अंदर दी प्रीत दी है जो करो अंदरों हो दिखावा ना हो। कलगीधर जी दे चरणा विच भाई जगता आया सी वह नचदा ही आया सी आनंदपुर साहब तक धर्मशाला बनाई हुई सी उन्हें अपने पिंड च। किसी ने कहना जगतिया चलीए महाराज को क्या करे चलो पर पैरां च घुंगरू पा के ना सुखमनी साहब का पाठ नच के करता सी। नाच रे मन गुर के आगे नच के सुखमनी साहब एदी रीस नहीं कर सकता कोई। कोई आखे कि मैं भी सवेरे जपजी साहब नचदा करांगा ये तो पखंड दिखावा हो जाएगा। वो तो कमाई की खेड सी पहरेदारां नूं अरजे बाहरले पासे थोड़ा जी आवाज आउंदी है जरा कंट्रोल कर। वो अवस्था है उत्थों तक कोई पहुंचया होवे ते नचना भी प्रवान ने एवें रीस कर लैनी सानू ते मर्यादा विच ही रहना पएगा बंधन च रहना पएगा। असी बंधना तो बाहर नहीं जा सकते जदों ब्रह्म ज्ञान हो जाए फिर ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्त फिर मुक्ति भी है पर शरा विच रहना मर्यादा विच रहना ये लाजमी है। वो कहिंदा हुंदा सी मैं नचदे ने जाना आनंदपुर साहब उन्हों कोई जथा लैके नहीं सी जांदा कहिंदे तू नचदा टाइम बड़ा ला देंगा। जदों भी महाराज दे प्यार वालियां ने आउणा आके ही कहना जगतिया पता नहीं तेरे नाल इन्ना प्रेम क्यों करदे ने। जदों जाने आ किसे दा हाल नहीं पुछदे यही पुछणगे जे काबल वालों आए हो तो मेरे जगते दी सुनाओ। मिले है नहीं सन कदी सामने गए नहीं सन जगते ने दर्शन नहीं सी कीते पर सुपन दर्शन करदा सी। सुपन चरित्र चित्र बानक बने विचित्र पावन पवित्र मित्र आज मोरे आए। परम दयाल लाल लोचन बसाल मुख बचन रसाल मधु मधुर प्याए। अंदरों दर्शन करदा सी रोज सुपन दर्शन पर कदे इदां दीदार नहीं सन होए प्रतख दर्शनां दी दात नहीं सी मिली। जगतिया जदों भी महाराज को जानिया तेरा हाल जरूर पुछदे मेरे जगते दी सुनाओ। शुक्र है जदों मेरा ही कहता फिर पिछे की रह गया खुशत हां
जदों इन्हें कहता भी मेरे जगते दी सुनाओ पिछे की रह गया इसे ची इन्ने नाल ही उम्र कट लांगे प्यार वाले इन्ने नाल ही सारी जिंदगी कट जांदे आ बस इन्ना ही बड़ा है उन्हां दे अंदर किते मेरे वास्ते थान ते है दिल च जगह है माड़ी मोटी इन्ना ही बड़ा बेनती करते रहीदा जदों भाई मरदाने ने शरीर छड्डिया ना उन्हें चौथी उदासी पूरी नहीं सी कराई विच शरीर छड गया जदों जान निकलनी सी ते महाराज ने पहले ही दाता कहिंदे मरदाने आ तैनू अज एक गल दसीए कहिंदा महाराज दसो लोकां बारे पुछदा रहिंदा सां वी इहदा की बनेगा इहदा की बनेगा अज तेरे बारे दसना महाराज कहिंदे की मरदाना कहिंदा महाराज साहब दसो सच्चे पातशाह आखन लगे तेरा अंत समा आ गया तेरे कोल चार घड़ियां रह गईयां ने बस छड जाएगा दुनिया मरदाने ने जदों सुनिया खुश हो गया ये सिखी है गुरमुखो मौत दा पता लग जाए ते मौत दा भी दुख ना होवे ये अखीर है बस आखरी मंजिल है डर ही ना रवे मौत दा फिर दुनिया दियां आम गल्लां दा कादा डर रहना है मौत आ रही आ जाए कोई गल नहीं हस के प्रवान कर लेनी ए शिखर है भगती दा हुण महाराज साहब ने जदों दस्या ते मरदाना ते नचण लग पिया ओए सुन लिया तू मैं किया की है तेनू तेरा समा आ गया है कहिंदा सुन लिया सच्चे पातशाह ताई खुश हो गया खुशी च झूमे बड़ा खुश क्यों हो गया इन्ना कहिंदा तुहाडे चरणा च जिंद निकलेगी मैनू होर की चाहिए तुसी सामने बैठे हो मेरा समा आ गया ते मैनू होर की चाहिए महाराज साहब आखन लगे मरदानिया तेरी रीज है कोई जड़ी पूरी ना होई होवे पूरी कर देने कहिंदा महाराज तुहाडे चरणा च जान निकलन लगी है फिर केड़ियां रीजां रह गईयां पिछे फिर महाराज साहब आखन लगे जे आखें ते तेरी कोई यादगार बना दईए तेरी कोई समाद जिथे लोग आख्या करन भी आ मरदाने दी जगह है जे आखें ते बना देने मरदाने ने अगों आख्या महाराज चम दी समाध चो कढ के इटां दी समाध च वाड़न लगे हो ना बनायो मेरी जगह कोई महाराज साहब नूं कहिंदा मरदाना उम्र लाती नाले सारी ना बनायो जगह कोई बस अपने अंदर थां रखियो मेरे वास्ते भी मेरे नाल कोई रह के गया बस इन्ना ही जदों कदी कदी मैनू याद करिया करोगे ना भी साडे नाल इक मरदाना रहिंदा हुंदा सी मेरे लिए इन्ना ही बड़ा अंदर थां होवे तुहाडे गुरु दे अंदर थां बनानी सौखी बात नहीं गुरमुख मैं अर्ज करदा रहिंदा कई बंदे चंगे पति बन जांदे ने चंगे पुत्र नहीं बन सकते कई चंगे पुत्र बन जांदे ने चंगे पति नहीं बन सकते कई मावां नूं खुश कर लैणगे घर वालियां नूं रुसा लैणगे कई घर वालियां नूं खुश कर लैणगे मावां नूं रुसा लैणगे इदां नहीं इह ते तूं एडजस्टमेंट कर किदां करेगा इह ते तूं सोचना है चंगा पुत्र बन वेख किवें कर सकना चंगा पति बन मां भी खुश होवे घर वाली भी खुश होवे जिथे चंगा पति बने उत्थे चंगा पिता भी बने ते सब नालों वड्डी गल ए है चंगा सिख बन जदों चंगा सिख बन जाएगा बाकी दे सारे गुण अपने आप आ जांदे ने ध्यान दिओ जेड़ा चंगा सिख है वो चंगा पुत्र जरूर होएगा जेड़ा चंगा सिख है वो चंगा पति चंगा पिता भी जरूर होएगा जेड़ा चंगा पुत्र नहीं बनिया इहदा मतलब है जे चंगा सिख नहीं बनिया चंगा सिख होएगा उहदे च तमाम गुण अपने आप आ जांदे ने मां खुश होवे घरवाली खुश होवे बच्चे तेरे तो खुश होण
पर सब नालों वड्डी गल है तेरा गुरु भी तेरे तो खुश हो गए। वेखो गुरमुखो साडा सारा ही जोर लगे पिया बच्चियां नूं खुश कर लईए, परिवार खुश कर लईए। खुशी वास्ते ही है अपनी जिंदगी भावें कच्चे कोठे च लंघी होवे, बच्चियां लई कोशिश कर दिओ भी कोठी पा के जाइए मरण तों पहला पहला। आप भावें सारी उम्र सैकल ते कढ़ी होवे पर बच्चियां लई यतन कर दिओ इहनूं असीं गड्डी लै दईए। आप सारी जिंदगी मिट्टी च मिट्टी बन के फिरदा रहा होवें, यतन करना मैं अपने पुत्र नूं जमीन वेच के भी अमरीका कनेडा भेज दिया। किन्ना यतन करने आ बच्चियां दी खुशी लई मरदे फिरने आ सी, लड़ने आ जे कोई साडे बच्चे नूं कुछ कह जाए, साडे पुत दी जमीन नूं कोई माड़ा जिहा वध वट वढ जाए ते कतल हो जांदे ने, वट्टां वढण करके कतल हुंदे वेखे। बच्चियां नूं खुश करन लई असी अपना पूरा यतन करने आ, वाह लाने आ पूरी जिन्नी लगदी है। पर वेखो भाई जिन्ना मर्जी यतन कर लो जो मर्जी कर लो, जो तेरी आनी है ना समा आना है तेरे नाल मरना किसी ने भी नहीं निभना, इत्थे कोई भी नहीं रिश्ता। जिन्ना मर्जी किसी का कर लो, जाना एक दिन कल्या नूं पैना है उहदी कचहरी विच, ते तुहाडे सामने इत्थे बेकदरी हुंदी तुसीं बड़े बजुर्गां दी विंदे हो। सारी उम्र कमांदा रहा सारी उम्र मरदा रहा, अज जे सियाणी गल करे ना ते गाल कढ़ के त्यौड़ियां पा के पुत बोलदा बैठा रहे बुढ़िया चुप कर जा तेनू नहीं पता, मैनू अपना काम कर लैण दे। इन्नी बेकदरी होई है। मैं ते कहिंदा धन ने ओ बजुर्ग जिन्हां दे बच्चे सेवा करदे ने प्यार करदे ने बजुर्गां नूं। वेखो भाई दुनिया च बड़े ओ ने जिन्हां दा है कोई नहीं, ना पुत्र होया ना धी होई, जदों पुत नहीं ते पोतरे कित्थों, धीआं नहीं ते दोतरे कित्थों। बड़े ने ओ जिन्हां दा है ही कोई नहीं, पर उन्हां नालों कई गुणा वध गिणती उन्हां दी है जिन्हां दे है ते बड़े ने पर बणदा कोई भी नहीं। धीआं भी ने दोतरे भी ने पुत भी ने पोतरे भी ने पर बनिया कोई भी ना। अज बहुतियां दा हाल यह है कोई नहीं बनता। कोई कोई बजुर्ग भागां वाला होना जिहदे बच्चे सेवा करदे ने, मालकी खोह लैंदे ने जिउंदिआं दी वी। अज पुछीदा बेबे किहदे नाल है, इह बेबे बापू मेरे नाल रहिंदे ने, घर तूं बनाया सी मालक तूं है। बच्चियां दे विआह हो जाण उदण ही कहण लग जाणगे बापू नूं मैं रखिआ, इह नहीं कहणगे मैं बापू नाल रहिंदा, इहदा घर है। उस कमरे पाए उहने बनाया उहने उसे दे दो भाग कर लैणगे, विचाले कंध कढ लैणगे, फिर उदण ही कहण लग जाणगे जिदण विआह हो जाएगा बेबे बापू ते छोटे मुंडे नाल रहिंदे ने। बस कढ दित्ता घरों अपने घर ची तू बगाना हो गयो, मालकी ते खोली तेरी, मैं बापू नूं रखिआ है। बेबे बापू नूं रोटी कौन दिंदा है, वड्डा मुंडा रोटी दिंदा है। वेख सब कुछ तेरा सी पर हुण तू रोटी मंग के खाण लग पियो। यह हाल है साडा जिउंदिआं दी मालकी खो लैंदे ने, यह नहीं कहणगे मैनू बेबे बापू ने रखिआ होया, मैनू बेबे बापू रोटी दिंदे ने। ते गुरमुखो ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤੇਰਾ, ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਨਹੀਂ ਦਦਸਾਰ ਪਿਤਾ ਪਿਤਾਮਾ ਪਰ ਪਿਤਾਮਾ, ਸਜਨ ਕੁਟੰਬ ਸੁੱਤ ਬਾਂਧਵ ਨਾਮ ਭਰਾਤਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਨਨਸਾਰ ਮਾਤਾ ਪਰ ਮਾਤਾ, ਬਿਰਧ ਪਰ ਮਾਤਾ, ਮਾਮੂ ਮਾਮੀ ਮਾਸੀਓ ਮੌਸਾ, ਬਿਬਦ ਬਖਿਆਤਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਾਸ ਨਹੀਂ ਸਸੁਰਾਰ ਸਾਸ ਸਾਸਰੋ ਸਾਰੋ ਸਾਰੀ, ਨਹੀਂ ਬਿਰਤੀ ਸੁਰ ਜਾਚਕ ਨਾ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਅਸਨ ਬਸਨ ਧਨ ਧਾਮ ਕਾਹੂ ਮੈਂ ਨਾ ਦੇਖਿਓ, ਜੈਸਾ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੋ ਨਾਤਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਤਿੰਨ ਨੇ ਵੱਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦਾਦਕੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾਨਕੇ, ਜਦੋਂ ਵਿਆਹੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਹੁਰੇ। ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਦਾਦਕੇ ਨਾਨਕੇ ਤੇ ਸਹੁਰੇ।
भाई साहब भाई गुरदास जी ने तिना का जिक्र किया, तेरा कोई नहीं तेरे दादकियां च नहीं, दादकियां च नहीं, ददसार दा अर्थ है दादके, नहीं ददसार पिता पितामा दादा पर पितामा पड़दादा, फिर सज्जन कुटुंब परिवार, सज्जन कुटुंब सुत बांधव ना भराता है, ना तेरे बच्चे ना तेरी घरवाली ते ना तेरे भरा, इन्हां च कोई नहीं तेरा, नहीं ननसार नानकियां च भी कोई नहीं, माता पर माता बिरध पर माता, ना मां ना नानी ना पड़नानी, मामी मामू मामी मासी ओ मौसा बिबद बख्यात, अर्थ स्पष्ट है, ना मामा ना मामी ना मासी ना मासड़ कोई नहीं तेरा। फिर सौरियां दा जिक्र करदे कहिंदे ने नहीं ससुरार, सौरियां च पहला कहिंदे नहीं, फिर सौरे नहीं तेरा सौरियां च कोई नहीं, ससुरार सास सासरो सारो ओ सारी, नहीं बिरती सुरजा चकनांदा था, तेरे सौरियां च कोई नहीं, एक अगे रिश्ता होर जाचकदा ते मंगते दा, ये भी रिश्ता है। इत्थे बाहर गए ने ना जेड़े, उन्हां नूं इत्थे कोई बंदा कहे 10,000 रुपया चाहिए जी लड़की का विआह करना दे दिओ, उन्हें अगली बारी फिर सुभावक गल है मंग लेना भी होर चाहिए 10,000 दूजे मुंडे का विआह फिर दे दिओ, अगली बारी आओ आप ही दे जाओ 5-7,000, जदों चौथी पंजवीं बारी मंगे फिर जवाब दे दिओ, है नहीं जी हाथ टाइट हो गया नहीं दे सकते, अगली बारी फिर मंग ले फिर ना कर दिओ, है नहीं जी। ओही बंदा जेड़ा कहिंदा हुंदा सी तू ही मेरा सहारा है तेरे बिना मेरा सरदा नहीं, ओही बंदा कहण लग जाएगा तेरे वर्गे बथेरे तुरे फिरदे ने, मिंटां च रिश्ता तोड़ देणगे जे माया देनी छड़ दोगे, मदद करनी छड़ दोगे रिश्ता तोड़ देणगे, जाचकदा ते मंगते दा भी एक रिश्ता है पर थोड़े चिर दा सदा नहीं रहण वाला। ते भाई गुरदास जी कहिंदे ने असन बसन धन धाम काहू मैना देखियो जैसा गुरसिख साध संगत को नाता है, कहिंदे नाते दुनिया च बड़े ने पर साध संगत दा ते सिख दा ते गुरु दा जिहो जिहा नाता है इहो जिहा दुनिया च नाता है ही कोई। श्री अकाल, एहो जिहा रिश्ता है ही कोई नहीं। धन गुरु नानक देव साहब कहिंदे ने मरदानिया तेरा समा आ गया है महाराज, बस याद रखियो अपने सेवक नू, मेरी बाहर जगह ना बनायो, इको ही मेरी बेनती है कि अपने दिल विच थान रखियो, भागा वाला मैं मेरा सिर तेरे चलना सारियां भैणां बोल
मेरी जान निकुल वीर मोहे मरने का जाओ है करो बाहर के द्वारो हर हर पूछ कौन है बड़ा हमारे जदों जान निकले मेरे प्यारे दा बुआ होवे मेले मेरे मालक दा दरवाजा होवे मता किते पूछी लैण वी आ कौन पिया लाश किदी पई है इन्ना ही बड़ा की पता पूछी लैण मत हर पूछे कौन है जे जान निकल जाएगी मर जांगा बूए च जाके की पता पूछी लैण वी आ केड़ा पिया मरिया जे इन्ना ही पूछ लिया इन्ने नाल ही पार उतारा हो जाएगा देखो गुरमुखो ए शरदा दी बात है ਸ਼ਰਧਾ ਹੀਨ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾ ਹੀਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟੁੰਬੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੂਹੇ ਚ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਭਾਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਗਏ ਸੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ एक दिन महाराज ने आख्या जा लेने चलिया जा सचे पातशाह जावा किथे मेरा दर भी तू मेरा हुण घर भी तू मेरा घर तेरे दर तो वखरा नहीं प्यार वाले ते कहिंदे ने सूली उत्ते टंग दे मैनू भावे पुठी खल लोहा दे देगा विच उबाले दे दे पैरां हेठा अग विछा दे पुठा करके भावे साइया तू लमका दे खूहे अंदर ज्यों भावे त्यों रखी ऐ पर रखी अपने बूहे अंदर सूली उत्ते टंग अग ते तोर देग चौबाले दे दे पुठा करके खूच लटका जो कहेंगा मैं करांगा लटकांगा पुठा अग ते तुरांगा देगा च कड़ांगा पर बुआ तेरा होना चाहिए ए नहीं भी दूसरे दे दरवाजे च जाके तेरे बुए च बह के असी जिन्ने दुख देंगा चल लांगे ते सिद्धांत कहिंदा गुरबाणी कहिंदी है फरीदा बार पराया बैसना साईं मुझे ना दे पराए बुए ते ना भेजी जे तू एवें रखसी ता जियो शरीरों हले आ जान ही कढ लै जे तू पराए बुए ते भेजना है पराए बुए ते ना भेज जान चली जाए कोई गल पर हुण इत्थे गल जिहड़ी है मननी बड़ी औखी है जी ते आप भी तुरे फिरने साडा बाबा फतेह सिंह बिना जोरावर सिंह बिना बाबे बिना सर जाएगा साडा सप्पां बाबिआं बिना नहीं सरदा इन्हां दी कबर ते दीवे जरूर जगाणे उत्थे जरूर लस्सी चढ़ा के आओ साडे बाबे ने सिखां दे बाबे ने ए हाणे थां ते कबर ते ना गए पता नहीं की हो जाएगा कई कहणगे जी माझी नहीं मिली उत्थे गए वह पीर रुस गया पतासे नहीं चढ़ाए वह पीर कहदा जिहड़ा 5 रुपइयां दे पतासियां पिछे रुस जांदा है तू ते ना वी जा पीर फकीर ते फिर भी तेरा भला ही सोचणगे जिहड़ा रुसदा है वह पीर फकीर नहीं हुंदा असीं ते आप ही तुरे फिरने चुक के थालियां कदी किते कदी किते कदी किते खास करके तुसीं वेखदे हो बीबियां इन्हां वहमां च बहुतियां पैंदियां ने भाईआं नालों वी ज्यादा एक गल कमाल दी ये है इन्हां नूं वड़न भी नहीं देंदे अपने कबरां उत्ते जेडे वड्डे अस्थान ने ना इत्थे सिख बीबी सिर उच्चा करके कहिंदी है अज कोई हिंदू बीबी साडी सिख भैन नूं मिले ते साडी सिख बीबी पुछ ले भैन जी तुहाड़ा जनेऊ किथे है ते हिंदू बीबी नूं इह गल कहणी पैगी वी साडे भाई पा सकदे आ बीबियां नहीं जनेऊ पा सकदे सानू अधिकार ही कोई नहीं जनेऊ पाउण दा ते जे कोई मुसलमान बीबी मिले मुसलमान बीबी नू साडी भैण पुछे भैण जी तुहाडा तुसी मक्के गए हो कदी मक्के दा हज कीता है सब नालों वड्डा अस्थान है मक्का तुसी दीदार कीते ने बीबी नू नीवी पा के मुसलमान बीबी नू कहना पएगा मक्के इस्त्री नू जान दी इजाजत नहीं मक्के नहीं बढ़न देंदे बीबी नहीं जा सकदी मक्के च बीबी हिंदुआं च जनेऊ नहीं पा सकदी साडी भैण उत्थे सिर उच्चा करके कवे साडे धर्म विच जे सत संगत भाई कर सकदा है बीबियां भी कर सकदियां ने
सेवा गुरु ग्रंथ साहब दी भाई कर सकता है, बीबियां कर सकदियां ने, कीर्तन भाई कर सकता है, बीबियां कीर्तन कर सकदियां ने, दस्तार भाई सजा सकता है, बीबियां दस्तारा सजा सकदियां ने, खंडे बाटे दा अमृत भाई छक रखता है, बीबियां भी छक सकदियां ने, पंज ककार भाई पा सकता है, बीबियां पा सकदियां ने, कोई फर्क ही नहीं रखिया, दस्तार भी दिती है, फिर तो काणी मंड हो गई ना, जे दस्तार सिंघां नूं देती बीबियां नूं दस्तार नहीं मिली, चुनियां मिलियां ने, नहीं वो गल वख है, बन्नन ना बन्नन, पर दस्तारा भी भैणां नूं कलगी तर दे के गए, जे मेरा सिख लखां च खलोता वखरा नजर आएगा, पग बन के दस्तार बन के बीबी भी वखरी नजर आए। बड़े ने इत्थे ते साडे ते बहुत घट लोग ने, पंजाब इत्थे पंजाब विच वेखो बहुत सारियां भैणां दस्तारां कई बनदियां ने, शहरां च बहुत ते विदेशां च ते खास करके विदेशां च बहुत सिंघणियां ने दस्तारां सजा के रखदियां, गोरे जिहड़े अमृतधारी होए ने उह सब दस्तारां बनदियां ने, बीबियां दस्तार सजा के रखदियां ने सिर दे उत्ते, काणी मंड ते कीती होई नहीं, जो एक सिख नूं दित्ता जो सिंघ नूं मिलिया है उह एक बीबी नूं वी मिलिया, बराबर दिता है, फर्क ते रखे ही नहीं, फिर ते काणी वंड हो गई ना, भी जे इहनूं दस्तार देती वो गल वख है, बन्नन ना बन्नन, दस्तारां भी महाराज ने दित्तियां, ये सिख बीबी सिर उच्चा करके कवे, पर दुख इस गल दा है, ये ते बराबर बनदे ने, ये ते कहिंदे ने सो क्यों मंदा आखीए जित जम्मे है राजान, माड़ा ना आखो राजे महाराजिआं नूं गुरुआं नूं जन्म देण वालियां ही औरतां ने, औरत जात नूं निंदो ना, औरत नूं पैर दी जुत्ती ना समझो, पर दुख इस गल दा उह ते वड़न नहीं देंदे, इह कहणगे ना ना असीं नहीं बाबे नानक देस ते उहनां दी कबर ते दीवे जगाउणे, इह फिर धक्के नाल उत्थे जाणगे, उत्थे उत्थे बिना नहीं साडा सरदा, गुरमुखो इह वहिम कढणे चाहीदे ने मनां विचों, दर दर ते तां फिरीए जे इस दर उत्ते कोई घाट हो, इको थान ते मन खड़ाना चाहिए, सत्कार सारे धर्मां दा करो पर मन एक जगह जोड़ के रखो, जिहड़ी मर्यादा बनी है उहदे विच अपने जीवन नूं ढालण दा यतन करो, सतगुरु दे बूहे चो किसे दूसरे बूहे ते नहीं जाना, भावें जो मर्जी हो जाए, प्यार वाले वेखो किदां दी भावना वाले सन, भाई जगता कहिंदा मैं आनंदपुर साहिब जाना ते जाना नचदे ने ऐ घुंगरू बन के पैरां च, एक जथा आया वह कहिंदे जगतिया लजाना तेनू जरूर है, भावे टाइम जिन्ना मर्जी लग जाए तू नाल ही चल, एक जथा आया इदां दा, भाई जगते ने पैरां नाल घुंगरू बन ले, मस्ती चढ़ गई बड़े प्यार विच, तुर पिया सच्चे पातशाह जी दे दर्शन करन वास्ते आनंदपुर साहिब, करने दीदार बाजा वाले जाके, करने दीदार बाजा वाले छेती छेती मुख पैंदे, we'll be right back.
सतमसी दीदारो अखां तरसदियां ने दर्शन करन नु मन लोचदा है जे तू कहे तू चौ सजन मेंडिया ऐ मेरे मालका जे एक बारी आखे देई सिस उतार मैं सिर भी ला के दे दिया देई दे दिया सिस उतार सिर भी ला के दे देंगा पर दर्शन दे जरूर एडी वड्डी भेटा देण नूं भी तैयार हां दर्शन करने ते गुरमुखो सारे राह भाई जगता सतगुरु दे प्यार विच नचदा होया ही गया पैरां नूं घुंगरू बन के शब्द पढ़दा बाणी पढ़दा सतगुरु दे प्यार दे गीत गाउंदा आनंदपुर साहिब पहुंचिया उच्चियां उच्चियां पहाड़ियां ने आनंदपुर साहिब दियां एदां लगदा जिवें आनंदपुर दियां पहाड़ियां भी वाहिगुरु जपदियां ने उदों सारे ही प्यार वाले सन अजकल वाली सिखी नहीं है थोड़े सी सिख जंगलां च भी रहिंदे सी दुख भी झलदे सी पर है बड़े चढ़दी कला वाले सी साडे कोल अज सब कुछ है साडे कोल चढ़दी कला नहीं रही बिना संतोख नहीं को रजै संतोख तो बिना रज नहीं आ सकता ते संतोख कित्थों आएगा विण तुद होर जे मंगना सिर दुखां के दुख देहो नाम संतोखिया उतरै मन की भुख संतोख नाम नाल आउंदा है ते जे संतोख आ जाए भावे सौ ते आ जाए ना आवे भावे करोड़ां ते ना आवे ते नाम तो बिना संतोख नहीं आ सकता मन इहदी भटकना मुक नहीं सकदी उन्हां समयां च सिख बड़े श्रद्धा वाले सन अज ते तीर्थां ते जाइए पहला लंगर लभी दा दो चीजां वल ध्यान हुंदा इक ते कमरा मिल जाए सौण नूं ते इक छकण नूं प्रशादा मिल जाए बस दो गल्लां ने कई ने इत्थे विच आउण सार लंगर छक के आए ने आउण सार वड़ गए लंगर च ठीक है कोई नहीं छकना ही चाहीदा कई विच दी वी दाल आए होणगे वी छक होवे ते भोग चार बजे तक पैणा ए नहीं पता जाण लगे फिर वड़ जाण चलो दो कु खा ही लैंदे तीन तीन चार चार वारी प्रशादा चलो माड़ी गल नहीं पर एक गल होर कह देनी चाहीदी है कि प्रशादा हिसाब नाल छकना चाहीदा है भुख नूं ते नींद नूं जिन्नी मर्जी वधा लो जिन्नी मर्जी घटा लो हुण जिहड़ा बंदा रात नूं अठ प्रशादे छक के सौवे ते फिर आके मैं चार बजे उठ पांगा फिर कित्थों उठिया जाएगा प्रशादा घट खाओ सवेरे आपे जाग आ जांदी ये बड़ी सोहनी जुगती है कि जे प्रशादे चार दी भुख है ना दो ही छको दो दी भुख है एक ही छको एक प्रशादा छको सवेरे आपे ही फिर समय नाल जाग आ जाएगी उठ के स्नान करके बह जाओ पर हुण जेडे बंदियां ने अठ अठ दस दस रोटियां खा के फिर कहीए भी सवेरे चार बजे भजन कर लांगा भजन करन लग जाएगा फिर सुस्ती चढ़ी जाएगी की करिए नींद दब लैंदी है खालसा नींद नूं दबे खालसे नूं जिहनूं नींद दब लैंदी उह सिख कहदा होया उह कहदा खालसा नींद ही आई जाए सुस्ती टूले ही मारी जाणगे कई इत्थे संगत च वी बड़ियां बघियाट वासियां लैणगे कई वड्डे वड्डे मूंह वड के बघियाट वांगू ते गुरमुखो घट खाणा घट सौणा खराब हो जाएगी सब्जी कहणगे इह वैसे ही डॉक्टर ते कहिंदे आ वेखो साडे उत्थे वैद मेघनाथ जी आउंदे आ कहणगे हफ्ते विच इक दिन रोटी ना खाया करो वर्त रखिया वर्त रखण दी गुरमत विच कोई मर्यादा नहीं इह वी ध्यान च रखणा बीबियां बड़ी वर्त रखदियां ने ना करवा चौथ दा वर्त रखे इहदे नाल की हुंदा है इहदे नाल पति दी उम्र लंबी हुंदी पहरेदारां नूं अर्ज है संगत नूं भाई चलो पिछे ही अगे तक ना कोई आवे बाद च मत्था टकावांगे आनंद साहिब पढ़न वेले ध्यान दिओ वर्त रखण दी मर्यादा सिख धर्म विच कोई मर्यादा नहीं रोटी ना खाणी इहदे नाल पति दी उम्र लंबी हो जाएगी करवा चौथ दा वर्त रखणा सिख धर्म दी कोई मर्यादा नहीं इत्थे ते उस परमेश्वर ने जदों सद लिया जाना ही पैणा कल्ले आवह नानका सदे उठी जाहे उहने कल्लिया ते आए आ जिदन उहने सद लिया सदा आ गया फिर ते जाना पैणा फिर रुक नहीं सकदे ते गुरमुखो जिदन उहने आवाज मार ली सद लिया जाना पएगा लेख ना मिटी हे सकी जो लिखिया करता जिन्ना समा लिखिया सवास गिण के पाए होए ने ध्यान दिओ सवास जेड़े ने
ਉਹ ਗਿਣ ਕੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਈ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਰੀਸਮ ਰੀਸੀ ਵਰਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਵਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਰੀਰ ਤੇ ਠੀਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੇ ਠੀਕ ਰੱਖਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ ਕਈ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਏਗਾ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਖਾਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੇਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੈਸਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਚੈਂਬਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੈਸਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹਰ ਵੇਲੇ ਖਾਈ ਜਾਓ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਘੱਲ ਨਾ ਘੱਲੇ ਅੰਦਰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਉਹਨੂੰ ਰੈਸਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਅੰਦਰਲਾ ਉਹ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਰਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੋਟੀ ਨਾ ਖਾਣੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਤੇ ਠੀਕ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਧਰਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਛੋਟਾ ਹੈ ਅੰਨ ਕਰੇ ਹੈ ਪਖੰਡ ਨਾ ਸੁਹਾਗਣ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਨ ਛੱਡ ਕੇ ਬੀਬੀ ਆਖੇ ਮੈਂ ਪਤੀ ਦੀ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਲੱਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਪਖੰਡ ਹੈ ਨਿਰਈ ਪਤੀ ਵਰਤਾ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰਹੋ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਤੀ ਵਰਤਾ ਧਰਮ ਚ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਲੱਗੀ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਪੰਜੀਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾ ਲਓ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੇ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਭੋਜਨ ਖਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਦਿਨੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਉਹਨੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਕੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਸਣ ਪਾਇਆ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਪਾ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਖੁਰਚਣਾ ਮਾਰੇ ਕੜਾਈ 'ਚ ਘਰ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਗਵਾਨ ਨੇ ਕੀ ਪਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਖੁਰਚਣਾ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ ਪੈ ਜਾ ਤੇਰਾ ਹੀ ਸਿਆਪਾ ਕਰਨੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਤ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਰੱਖਣੀ ਤੇਰੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਲਈ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤੇਰਾ ਹੀ ਸਿਆਪਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ ਐਵੇਂ ਨੀ ਕੜਾਈ 'ਚ ਖੁਰਚਣਾ ਵੱਜਦਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵਰਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਏਕ ਜੋਤ ਦੋਏ ਮੂਰਤੀ ਧਨ ਫਿਰ ਕਹੀਏ ਹੈ ਸੋਏ ਮਨ ਇੱਕ ਹੋਣ ਸਰੀਰ ਦੋ ਹੋਣ ਮਨ ਇੱਕ ਰੱਖੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਰੱਖੋ ਜੇ ਭਾਈ ਵਾਸਤੇ ਔਰਤ ਵਾਸਤੇ ਪਤੀ ਵਰਤਾ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਵਾਸਤੇ ਪਤਨੀ ਵਰਤਾ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਹੈ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੇੜਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਇੱਕ ਹੋਣਗੇ ਇੱਕ ਦਾ ਮੂੰਹ ਉਧਰ ਇੱਕ ਦਾ ਮੂੰਹ ਉਧਰ ਤੇ ਨਰਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜੀਵਨ ਸੋ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਅੰਨ ਛੱਡਣਾ ਵਰਤ ਰੱਖਣੇ ਕੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਵੀ ਸਰੀਰ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਕਹਿਣਗੇ ਆ ਦੋ ਕੁ ਰੋਟੀਆਂ ਨੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਸਬਜ਼ੀ ਖਾ ਛੱਡੋ ਐਵੇਂ ਬਾਹਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣ ਦਿਆ ਕਰੋ ਇਹ ਅੰਦਰ ਜਾਏਗੀ ਸਬਜ਼ੀ ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗੀ ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰੇਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣ ਦਿਆ ਕਰੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਰ ਘੱਟ ਖਾਣਾ ਘੱਟ ਸੌਣਾ ਤੇ ਘੱਟ ਬੋਲਣਾ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਘੱਟ ਖਾਣਾ ਘੱਟ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਘੱਟ ਸੌਣਾ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨੀਂਦ ਨੂੰ ਵਧਾ ਲਓ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਘਟਾ ਲਓ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਬੜੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਫਾਕਾ ਵੀ ਕੱਟਣਾ ਕਈ ਕਈ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣਾ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੱਠੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟਣੀਆਂ ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਫਲਾਣਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਾਣੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਵੇਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਸੀ ਨਿਤਨੇਮ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ ਹਾਂ ਅੱਜ ਨਿਤਨੇਮ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ ਹਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਮਨ ਏਦਾਂ ਭੁੱਜਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਭੱਠੀ 'ਚ ਦਾਣੇ ਭੁੱਜਦੇ ਆ ਪਰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਚਾਅ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅੱਜ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਮੇਲਾ ਵੇਖਾਂਗੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੱਲੇ ਆ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲੇ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚੱਲੇ ਆ ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਸਿੱਖ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਵਾਂਗੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਂਗੇ ਇੱਛਾ ਹੀ ਇਹ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ
ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਭਜਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਈਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੋਕ ਮੇਲਾ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਨੇ, ਤਮਾਸ਼ਗੀਰ ਨੇ, ਤਮਾਸ਼ੇ ਵੇਖਣੇ, ਮੇਲੇ ਵੇਖਣੇ, ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਭਜਨ ਕਰਨਾ, ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿਣਾ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਮਿਲੇ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀਏ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਦਾ, ਚਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰੀਝ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਛਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਨ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਚ ਨੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਿਨਾਂ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਭਜਨ ਕਰੇ ਬਿਨਾਂ, ਨਿਤਨੇਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਿਨਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਮਨ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਮੁੱਕਦੀ ਹੋਈ ਫੇਰ